गुंडापांडी थाना क्षेत्र के जटनी गांव के जंगल में चार तस्करों को पकड़कर ग्रामीणों ने धुनाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। इसी दौरान ग्रामीणों ने शक होने पर वहां मौजूद तीन गोवंश पशु बरामद कर तस्कर फिरोज पुत्र तौफीक जेतवाड़ा कुनरकी, इसरार पुत्र इस्लाम निवासी जलालपुर कुनरकी, गुलाम मोहम्मद पुत्र इस्लाम निवासी बगरुआ कुनरकी, रहीसुद्दीन पुत्र अलाउद्दीन कनकपुरा टिडोली को पकड़कर धुनाई कर दी, जबकि एक अभियुक्त सुरजीत पुत्र भीम सिंह निवासी जटनी मुंडापांडे मौके से फरार हो गया। सूचना पर वहां पहुंची पुलिस ने अभियुक्तों को अपने कब्जे में लेकर वहां से एक सेंट्रो कार तथा वध करने के उपकरण बरामद किए हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार यादव। प्रदीप कुमार यादव जी, आज क्या मामला है जो आप लोगों ने गायब कर दिया? मामला ये है कि ये हमारे गांव का सुरजीत कुमार यादव जो है ये बहुत दिन से काम करता है पशु कटवाने का, ठीक है। ये तीन दिन पहले चार गाय लेकर आया, मतलब एक बछड़ा था उसमें और तीन गाय थी, ठीक है। ये लाने के बाद में इसने तीन, मतलब दो गाय और एक बछड़ा जो है अपने भाई के घर में रखा, एक बछड़ा इसने, एक गाय इसने अपने दूसरे भाई के घर पहुंचा दी, ठीक है। उसके बाद जो है ये दो गाय और एक बछड़े को लेकर जैसे लगभग अभी 9:30-10 बजे टाइम पे निकला जंगल को कसाईयों के साथ। ये तो ये था, और भाई जो बाहर ही कसाई उसको हमने जानते क्या नाम था, उनके साथ जा रहा था, ठीक है। जा रहा था, हम लोगों को पता था, जब गाँव में मोहल्ले की बात पता चलता है क्या करेगा, तो ये लेके जा रहा था तो हमारे इन्होंने देख लिया, भाइयों ने देखा तो आवाज़ दी, तो ये लोग दो गायों को लेकर तो गिरा लिए थे पल्लू तरफ जाते। एक जो बछड़ा है वो यहीं के गांव के पास में ट्रांसफार्मर है, गांव के पश्चिम साइड में उसके पास में था, वहीं पर रोक लिया, ठीक है। नहीं वो लोग जो है एकदम छोड़ कर भाग गए, हत्या आया कोई भी, लेकिन जो गांव वाला सुरजीत कुमार यादव है उसको तो पूरी तरह से पहचानते हैं, जानते भी हैं, उसको तो 10 साल से भर रहा है ये काम। क्या करते हैं ये गाय का? ये बस इसका मतलब ये है, मोल लाएगा 10,000 की 5,000 की लाता है बैल, यहाँ पर देखा मतलब हाथ से कटवाना उसको, मांस को ओके मांस को पैक कराकर और गाड़ियों में भरवाता है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई आज? पूरी तरह से गाड़ी भी खड़ी है, ये कंफर्म नहीं। आज कितने लोग गिरफ्तारी हुई? घर में से हमने गाड़ी पकड़ ली, ठीक है। बात ये होती है, जैसे मैंने जहाँ से वहाँ से वो पकड़ी उन्होंने बछड़ा, बछड़ा पकड़ने के बाद ना वो जो यहाँ को आया, मतलब हमसे बोले कुछ लोग कि इनकी बाइक भी है लोगों की, तो मैं जो अपनी बाइक से इधर को आया तो मेरे से यहाँ बाइक मोड़ी ना, यहीं पे यहाँ खड़े हम, तुम यहाँ पे, तो इधर से ये चार पहिया आई तुमसे जो सेंटर हो साहब, जब चार पहिया आई तो मैंने चार पहिया आने के बाद में मैंने अपनी बाइक यहाँ पर रोकी। गौ कची की घटना सामने आई है जिसमें कुछ लोग गिरफ्तार भी किया गया, क्या पूरा मामला? कल रात लगभग 11:15 के आस पास रात्रि गश्त करते समय चौकी प्रभारी रोंडा झंडा विजय सिंह को सूचना मिली कि ग्राम जटनी में गांव वालों ने तीन गोवंती पशुओं को गौकसी के लिए ले जा रहे हैं, कुछ लोगों को पकड़ रखा है। इस सूचना पे चौकी प्रभारी और PRV मौके पे पहुंची और चार व्यक्ति फिरोज पुत्र तौफीक निवासी अहमदनगर जैतवाड़ा थाना कुंदरकी, इसराज पुत्र इस्लाम कुरैसी निवासी जलालपुर थाना कुंदरकी, गुलाम मोहम्मद पुत्र इस्लाम कुरैसी निवासी बगरुआ थाना कुंदरकी और रईसुद्दीन पुत्र अलाउद्दीन कुरैशी निवासी ग्राम कनपुरा थाना कुंदरकी जिला मुरादाबाद को मौके से ही गिरफ्तार किया गया और एक व्यक्ति सुरजीत पुत्र भीमसेन निवासी ग्राम नगला जटनी थाना मुंडा पांडे जिला मुरादाबाद मौके से फरार हो गया। इनके कब्जे से एक सेंट्रो कार, दो मोटरसाइकिल, एक उसमें से स्प्लेंडर प्लस थी और दूसरी स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल थी, तीन जीवित गोवंशीय पशु तथा पशु काटने के उपकरण बरामद किए गए हैं। थाना हाजा मुंडा पांडे पर मुकदमा अपराध संख्या 219/21 धारा 3/8 CS एक्ट और धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एक अभियुक्त जो मौके से फरार हो गया है उसकी गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। गिरफ्तारी करने वाली टीम के श्री विजय सिंह और चार कांस्टेबल के जो गिरफ्तारी जिन्होंने की है उनको सराहना की जा रही है। बाकी यही सर, इसका प्रोफाइल क्या है जो लोग पकड़े गए? जो पकड़े गए हैं ये इस गांव में अक्सर गौकसी की सूचना मिलती रहती है जिस पे हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, आगे भी लगातार किसी भी सूचना पे लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। इनका आपराधिक रिकॉर्ड कुछ अभी पहले से दर्ज नहीं मिला है लेकिन उसको आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, अगर कुछ मिलता है तो फौरन त्वरित कार्रवाई और तगड़ी की जाएगी। अच्छा, ग्रामीण का ये भी कहना है कि ये पुलिस की भी निर्भर होता है क्योंकि पुलिस जो रोना चौकी है वो पैसे लेके कार्य करा रही है क्योंकि अक्सर ऐसे मामले होते रहते हैं, इसका आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए जो भी ये घटनाएं हो रही हैं इसका संज्ञान तत्काल लिया गया है, मेरे द्वारा भी लिया गया है, और आगे की जो भी घटनाएं हैं उसको उसका मेरे द्वारा तत्काल सूचना, अगर किसी भी तरह की शिकायत होगी पुलिस के भी खिलाफ तो उसकी जांच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हर घटना का, छोटी से छोटी घटना का संज्ञान लिया जाएगा।